हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदनी आज आपके लिए फिर एक स्लिंग बैग लेके आई हूँ। और स्लिंग बैग आज हमारा चार पॉकेट का होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पे पेपर पे कि मैंने कितने सारे ब्लॉक्स बना रखे हैं, ये सारे मेज़रमेंट आपको याद रखनी होगी। और मैं खुद उलझ गई थी इसको लिखने में कि आप कैसे समझाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए और आप लोग इसको बना पाएँ। और बस बैठे बैठे दिमाग में एक ऐसा डिज़ाइन आ गया, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए हमें सामान चाहिए 8x10 का, मतलब जो नीचे की जो चौड़ाई है वो 10 रहेगी। जैसे ये बैग है मान लीजिए, तो जो नीचे का हिस्सा है ये हमारा 10 रहेगा। और 10x8 का वन पीस चाहिए हमें। यहाँ पर मैंने क्यू लिखा है, यहाँ पर मैंने पी लिखा है, तो क्यू मतलब क्विल्टेड हो गया, पी मतलब प्लेन हो गया। तो 8x10 का क्विल्टेड पीस एक चाहिए होगा, एक प्लेन पीस चाहिए होगा। फिर है हमारा 10x4 का टू पीस क्विल्टेड चाहिए होगा। मैं आपको दिखाती चलती हूँ तो जल्दी होगा, एक मिनट। समय मैंने सब पे लगा के रखा हुआ है। ये हमारा 10x8 का वन पीस क्विल्टेड है। और ये 10x8 का प्लेन पीस है। इस तरह से ये हो गया। फिर इसके बाद है 10x4 के दो क्विल्टेड, 10x4 के ये दो क्विल्टेड हमारे पीस हो गए, 1 2। और इसके बाद है हमारा 10x10 का वन प्लेन पीस, 10x10 का वन प्लेन पीस हमारा है ये 10x10 का है प्लेन पीस। फिर है 10x11 का वन पीस, 10x11 का वन पीस ये आ गया हमारा। फिर इसके बाद है 10x7 का पीस, 10x7 का पीस ये आ गया हमारा। ये जितना पी लिखा है ये प्लेन है और वन पीस में है। और इसके बाद है 10x9 का वन पीस, ये आ गया 10x9 का वन पीस आ गया। और 10x11 का क्विल्टेड पीस, यहाँ देखिए क्यू लिखा है, ये क्विल्टेड पीस 10x11 का एक पीस ये आ गया। फिर इसके बाद अब ये मैं हटा दूँ, ये हो गया। फिर इसके बाद हमको चाहिए, यहाँ पर मैंने लिखा है 10x5 और ये बीच में निशान है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें जिप लगानी है। इसका वन पीस चाहिए, जहाँ पीस लिखा है पी से प्लेन और पी से पीस भी आप समझ सकते हैं इसको इस तरह से। तो ये वन पीस चाहिए और 32 इंच का पीस पूरा लंबा, 5 इंच चौड़ा वन पीस चाहिए हमें। ये भी क्विल्टेड होगा, ये भी क्विल्टेड होगा। बेल्ट हमें 50 इंच की चाहिए होगी, जिप हमें 10 इंच की 4 चाहिए होंगी, रनर हमें 5 चाहिए होंगे। तो 5 अगर आप डबल डालें तो आपको फिर 8 पीस चाहिए होंगे, नहीं तो 5 पीस चाहिए होंगे। तो ये था हमारा सामान। और जो ये है, मैंने यहाँ पे 10x5 वन पीस लिखा है और ये 32 इंच x5 लिखा है और बेल्ट लिखी है, तो इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिया है। और ये पूरा 50 इंच की बेल्ट इसमें डाली है, ये देखिए, ये पूरा इस तरह से ये पूरा तैयार है। ये मैंने यहाँ पे ये जिप लगा रखी है और ये ब्लैक कलर की बेल्ट इसमें लगा दी है। और ये पूरा इसका जो साइड वॉल होती है ये मैंने पूरी तैयार कर रखी है। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। और मैं पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट उठा लिया है और दिमाग में तो था कई दिन से, लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके नाप जो आप लोगों को कैसे बताऊंगी, कैसे क्या करना है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अब हम लेंगे जो हमारा, इसको यहाँ रख लेती हूँ, 8x10 का जो पीस था हमारा ये, इसको हम लेंगे और इसमें इसको यहाँ रख लेंगे 8x10 का। और इसमें सबसे पहले जिप लगाएंगे हम, तो
ये जो हमारी लाइनिंग है इसमें इसको हम जोड़ देंगे। सिंगल रनर डालेंगे। इस तरह से हमें अभी सारे पीस पहले तैयार करने होंगे। आप चाहें तो डबल रनर भी डाल सकते हैं। ये हमारी तैयार हो गई है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पीस है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह से अंदर हल्का सा फोल्ड करेंगे करीब आधा इंच, और जहाँ पे जिप और कपड़े को हमने जोड़ा था वहाँ पर एक मशीन चला देंगे। और ये कपड़ा हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा तो उसकी चिंता नहीं करनी है, कपड़ा बढ़ा के ही रखना है थोड़ा। ये हमारी, अब इसको हम यहाँ से फाइनल कर देंगे, बंद कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो यही लाइनिंग वगैरह थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि एकदम से मोड़ करके और कितना आएगा एक्यूरेट इतनी जल्दी निकाल पाना, और वीडियो बनाना है क्योंकि आपको बताना है। तो ये हमारी एक पॉकेट तैयार हो गई है। अब हम दूसरी पॉकेट तैयार करते हैं। दूसरी पॉकेट के लिए हम 10x4 का एक पीस लेंगे, और ये आया हमारा दूसरा पीस। ये हमारा 10x7 वाला पीस है, और इसके साथ एक हमारा, ये इस तरह से मैंने नंबर डाल रखे हैं सारे पीस पर, आप भी इस तरह से नंबर डाल सकती हैं। तो मैं इसीलिए आपको स्केल से नाप के बताती जाऊंगी कि जो दूसरी पॉकेट बनेगी। तो अब हमारी 10x4 का एक पीस लेंगे, और एक 10x7 का पीस लेंगे, और उसके बाद एक हम लेंगे, एक लेंगे 10x11 का पीस, एक 10x11, 10x7, 10x4 का पीस लेंगे। अब 10x11 किनारे कर देंगे, और पहले इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, 10x7 को इस 10x4 में जोड़ देंगे। इसको यहाँ पर हम डबल सिलाई कर देंगे। अब इसमें हम यहाँ पर जिप लगाएंगे। Thank you.
ये वाला पीस जोड़ देंगे इस तरह से, 10x11 में ये पीस जोड़ देंगे, जैसे पहली पॉकेट तैयार की थी सेम प्रोसीजर। इसमें भी अब एक रनर डाल देते हैं। जो धागे वगैरह हैं उनको काट दें ताकि रनर में फंसे नहीं। तो जिधर लंबा पीस जोड़ा था उस साइड में हम रनर लगाएंगे। ये हमारा रनर लग गया है और सेम प्रोसीजर में अब इसको हम इतना मोड़ देंगे जितना पहला वाला हमने मोड़ा था और मशीन चला देंगे। इस तरह से बराबर रखते हुए मशीन चला देंगे। इसके साइड को सिल देंगे। और जो नीचे वाला कपड़ा है उसके नाप से उसको भी बंद कर देंगे। अब ये पीस जो है, ये जो हमने पहले पॉकेट तैयार की थी इसको, ये जो हमारा पीस आया है ये जो बढ़ गया है इसको काट देते हैं। ये काट दिया। अब ये जो हमारी पॉकेट दूसरी तैयार हुई है इसके ऊपर ये पीस ऐसे रखना है और ये जिप यहाँ जाएगी, ये जिप यहाँ जाएगी इसके ऊपर। अब इसको यहाँ से हम जोड़ देंगे साइड से। अब ये यहाँ पर देखिए हमारी एक पॉकेट ये तैयार हो गई है जिप के साथ। उसके साथ ही एक खुला हुआ पॉकेट मिल जाएगा और पीछे अभी एक पॉकेट ये आ रही है। तो एक दो तीन पॉकेट हमारी फिलहाल तैयार हो चुके हैं और रनर अभी बीच में ही रखते हैं क्योंकि हमें अभी एक पॉकेट अभी और बनानी है। अब हम लेंगे एक पीस, ये है ये नंबर 3 है। सॉरी, ये फिर से मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पे एक गड़बड़ करती हूँ सॉरी। ये जो हमारा 10x4 है ये हमारे 3 पीस होंगे, सॉरी। हाँ, वो उड़ गया था नीचे इसलिए मैं थोड़ा गड़बड़ हो गई। जो 10x4 का है वो 3 पीस फुलटेड होंगे। तो अब हम तीसरी पॉकेट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ये जो हमारे पास 10x9 का पीस है इसको इसके साथ जोड़ देंगे। Thank you.
10 बाई 9 का आ गया और ये आ गया हमारा 10 बाई 11 का लास्ट पीस। अब इसको हम यहाँ से पूरा जोड़ देंगे, इसमें हम जिप नहीं लगाएंगे। अब इसके ऊपर हमें ये पीस रखना है, ये जो पहले हमने पॉकेट बनाई थी इसको रखना है और ये सब मिला करके फिर एक साथ कर लेना है। इसको बार बार इस तरह इसलिए भी सिलना है कि ताकि जो इतनी सारी पॉकेट हैं सामान रखा जाएगा तो जितनी सिलाइयाँ रहेंगी तो ये मजबूती पकड़ लेगा। तो अब हम इसको यहाँ से पूरा पैक करेंगे। इसका साइड में निकला हुआ है सबकी सफाई कर देते हैं। मैं जब इसको बनाने की सोच रही थी तो मुझे लगा कि बड़ा कठिन होगा, लेकिन अभी मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने बना रही हूँ और ये बहुत ही आसान बैग बन रहा है और मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से ये बहुत कठिन बन रहा था। तो देखिए, आपको एक जिप की पॉकेट यहाँ मिल गई, इसके साथ बिना जिप की पॉकेट साथ में उसके पैरेलल में ही दूसरी मिल गई, एक फिर पॉकेट हमें यहाँ पे मिल गई, उसके पैरेलल में ही फिर एक प्लेन पॉकेट हमें मिल गई। तो 1 2 3 4 पॉकेट तो हमारी यहाँ हो गई। तो अभी हमारा एक हिस्सा ये तैयार हो गया है। अब हमें इसमें अब बारी आती है हमारी ये बेल्ट लगाने की, जो हमने पहले तैयार कर ली थी। जैसा कि मैंने बताया कि ये 5x10 का पीस है और ये यहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है, ये 11 इंच की दूरी पे निशान लगा लिया है। ये देखिए रेड पेन से निशान लगा है, ये बॉटम इसका 10 इंच का है, फिर साइड वॉल इसकी 11 इंच की। तो ये जो निशान लगे हैं ये निशान इन कोनों पर हम मिला के सिलते जाएंगे तो हमारी सिलने में आसानी जाएगी और बैग एकदम परफेक्ट बनेगा। तो और ज़्यादा परफेक्ट करना है तो इसका इस तरह से सेंटर निकाल लेते हैं, इस तरह से सेंटर भी निकाल लेते हैं। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे तो भी बैग हमारे कंप्लीट अच्छे तैयार हो जाएंगे। ये इसका सेंटर निकाल लिया, जिप जो बेल्ट ये हमने साइड में तैयार की थी इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं, यहाँ से दोनों साइड से निकाल लेते हैं। इसमें कोई बक्कल कोई डी लूप कुछ नहीं लगाया है, सिंपल 50 इंच की बेल्ट लेनी है। चाहे आप रेडीमेड बेल्ट लगा लें इस तरह की ब्लैक, या आप कपड़े की बना के लगा लें चौड़ी। तो आजकल जो लंबे स्लिंग बैग चलते हैं वो उनकी जो ज़्यादातर बेल्ट की लंबाई होती है वो 45 या 50 इंच होती है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो इसका सेंटर निकाल लिया, इसके जो बॉटम में ये जो कपड़ा आएगा इसका भी हम सेंटर यहाँ पे निकाल लेते हैं इस तरह से। तो सेंटर से सेंटर जब जोड़ेंगे तो बैग अपने आप एक सही आकार ले लेगा, सही शेप आ जाएगी। और जो इसके साथ हमारा ये जो पीस है, ये देखिए जो दूसरा 10x11 का पीस था उसके बराबर का है, और इसमें भी अब हम सेंटर निकाल लेते हैं। जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा कहीं ये सरल है, और मैंने सोचा था कि इतने सारे पीस हैं मैं समझा नहीं पाऊँगी, मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन ये तो बड़ी आसानी से बन गया। चलिए ये सेंटर निकल गया सबका।
अब इसमें हम ये जोड़ना शुरू करते हैं। तो सिंपल इसको हम जैसे हमेशा रखते हैं सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, ये सेंटर है और ये सेंटर है, इसको मिलाएंगे, ये देखिए एकदम परफेक्ट नाप आ जाएगी। अब इसको हम जोड़ देंगे। बेल्ट हटा दीजिए, अंदर कर दीजिए और इसको जोड़ना शुरू कर दीजिए। ये देखिए ये रेड निशान और ये हमारा कॉर्नर एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा पहले घुमा दिया तो ये कपड़ा हमारा फट गया है। कपड़ा थोड़ा सा भी पहले या ज़्यादा जो नाप जोक है उससे पहले आगे पीछे हो जाने से भी कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए कपड़े के घुमाव पर ध्यान रखना है। आ गया परफेक्ट, एकदम कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिया, ये हमारा सेंटर से सेंटर आ गया बॉटम का, ये रेड का निशान आ गया। और ये हमारा आखिरी कोना आ गया। बेल्ट हम बाहर कर देते हैं और इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी हमारी पॉकेट्स लगी हैं तो आज हम बाहर से इसकी जो महीन सिलाई देते हैं जिससे पतला सा बॉर्डर सा आ जाता है वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत मोटा हो जाएगा, उसमें मशीन चलेगी नहीं, सुई टूटने का डर है, तो अंदर से ही हमें इसकी डबल मशीन चलानी है। तो उसको भी करते चलते हैं, ये डबल कर रहे हैं। जिन व्यूवर्स के पास हमारे जो हमारी बहनें भाई जो हमारा वीडियो देखते हैं अगर उनके पास zigzag मशीन है तो वो इससे इंटरलॉक भी कर सकते हैं, अंदर की जो सिलाई है वो दबा सकते हैं तो उससे सफाई आ जाएगी। ये हमारा डबल मशीन चल जाएगा। मशीन चल गई है और ये पूरा मजबूत हो गया। अब हम इसमें जो बैक साइड का पार्ट है इसको जोड़ेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, ये हमारा सेंटर है, इससे इसको मिलाएंगे और इसको जोड़ना शुरू कर देंगे। निशान से निशान मिलाते हुए इसको सिलिए। ये हमारा बॉटम आ गया, ये हमारा जो सेंटर निकाला था सेंटर से सेंटर
एकदम परफेक्ट मिल रहा है। लास्ट में एकदम परफेक्ट। अब पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमारा बॉक्स टाइप से ये पूरा एकदम कंप्लीट है या नहीं। इसके बाद इस पर हम डबल मशीन चलाएंगे। देखिए एकदम परफेक्ट इसमें साइज बैठ गया है, बिल्कुल कहीं भी कोई भी कॉर्नर इधर से उधर नहीं किया है। अब इसमें हम डबल मशीन चला देंगे जो हमने लास्ट पीस जोड़ा था। ताकि ये मजबूत हो जाए। अब इसको हम सीधा करेंगे, एकदम परफेक्ट है। देखिए अब यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। जो आज का बैग हमने बनाया है इसमें, क्योंकि पूरा एक ही प्रिंट में बना है इसलिए इसकी पॉकेट भी दूर से दिखाई जल्दी नहीं देगी। हाँ, शेप जरूर नज़र आएगा कि वहाँ कुछ अलग से कुछ किया गया है, लेकिन उसका ये नहीं समझ में आएगा कि अंदर जिप है या नहीं है। ये देखिए, ये हमारा एक पॉकेट, बिग पॉकेट जो सेंटर में है ये आ गई है। यहाँ से ये बेल्ट लग गई है दोनों, और आपके सामने एक बिना जिप की पॉकेट ये है, उसके साथ ही एक जिप की पॉकेट यहाँ पर है, ये बंद हो गई, बिना जिप की पॉकेट फिर आ गई, फिर उसके साथ ही ये एक दूसरी जिप की पॉकेट है। तो इस तरह से ये हमारा एक नया स्टाइलिश बैग तैयार हो गया है, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।